हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिजवाना सिंधी, स्वागत है आपका क्लासिक तड़का में। तो आज हम बनाने वाले हैं शहरी स्पेशल मटन चाप स्टू। ये बहुत मज़े का और टेस्टी बनता है और आप शहरी में बनाकर आप इसे एंजॉय कर सकते हो, और आपका मन करे तो आप वैसे भी बना सकते हो। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं मटन चाप स्टू किस तरीके से बनाएं। ये मैंने एक मिट्टी की हांडी ले ली है जिसको मैंने गैस पर चढ़ा दिया है और गैस की फ्लेम को मैंने स्टार्ट कर दिया है। उसके अंदर मैं 500 ग्राम मटन चाप लूंगी और उसके अंदर हम डाल देंगे। अच्छे से मैंने धोकर इसको बिल्कुल ड्राई कर लिया है, आप देख सकते हो। सभी चाप को मैंने डाल दिया है और सबसे पहले हम स्वाद के मुताबिक इसमें नमक ऐड करेंगे, और नमक डालने के बाद इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 से 1.5 चम्मच जितना मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब हम इसमें 1 चम्मच भरकर गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। ये होममेड गरम मसाला मैंने बनाया है, बाद में आपको इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं ज़रूर बताऊंगी। अब हम इसमें मैंने 2 से 3 प्याज को चॉप कर लिया है इस तरीके से, और वो डाल दी है हमने। ये मीडियम साइज़ की मैंने 3 प्याज ली थी, और उसके बाद मैंने 1 से 1.5 ग्लास जितना इसमें पानी ऐड किया है। और पानी डालने के बाद उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और पहले हम स्टार्टिंग में 5 मिनट फुल फ्लेम रखेंगे, और जब हांडी अच्छे से गर्म हो जाएगी उसके बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम स्लो रख देंगे। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्चें ली हैं 2 बड़ी साइज़ की, और वो हमने इसमें डाल दी है। अब हम ढक्कन ढक देंगे, और ढक्कन ढक कर हम इसको 15 से 20 मिनट तक अच्छे से गला लेंगे। देखिए मसाला से ये अच्छे से पक चुकी है। ये मटन चाप है, इसको कुकर में गलाने की ज़रूरत नहीं होती, ये आसानी से ऐसे भी गल जाती है। इसे हम फिर से ढक्कन लगा देंगे 5 मिनट के लिए। अब हमने एक मिक्सी का जार ले लिया है, उसके अंदर हरी मिर्चें हम इस तरीके से काट लेंगे। मैंने कम से कम 100 ग्राम जितनी हरी मिर्चें ली हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चों को कम ज़्यादा कर सकते हो। ये ज़्यादा तीखी नहीं है खाने में, ये फीकी है। देखिए हमने इसका पेस्ट बना लिया है, अब इसको हम साइड पर कर देंगे। और ये मैंने कुछ खड़े गर्म मसाले लिए हैं, जिसके अंदर मैंने 1 तेज़पत्ता लिया है, 2 तज के टुकड़े लिए हैं, 7 से 8 लौंग ली है, और 10 से 15 काली मरी ली है, और 1 चम्मच भर के जीरा ले लिया है, और 8 से 10 लाल सूखी मिर्चें ली हैं। अब देखिए हम हांडी को अब खोल देंगे। आप देख सकते हो कि चाप भी हमारी अच्छे से गल चुकी है और उसका पानी भी थोड़ा ड्राई हो चुका है। तो हम इसको और थोड़ा ड्राई करेंगे, पानी को और थोड़ा सुखा लेंगे। अगर आप ग्रेवी वाली चाप बनाना चाहते हो तो पानी ना सुखाएं, लेकिन मैं ड्राई बनाऊंगी इसीलिए मैं पानी को सुखा रही हूँ। अभी हमारी चाप ओके हो चुकी है, इससे ज़्यादा हम पानी नहीं सुखाएंगे, इतना मैं रहने दूंगी। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि बोटी हड्डी से अलग नहीं हुई है, इसका मतलब है हमें ये परफेक्ट है। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है कि बोटी हड्डी से अलग हो जाए, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब उसी हांडी में सबसे पहले हम ऑयल ले लेंगे, यानी कि मैंने 100 ग्राम जितना इसमें तेल ले लिया है, और तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा। उसके बाद जो हमने खड़े गरम मसाले लिए हैं वो सबसे पहले हम डाल देंगे, और खड़े गरम मसालों को तेल में अच्छे से भूनेंगे। जब आप देखो कि उसकी अच्छी सी खुशबू आ गई है, उसके बाद जो हमने प्याज ली है वो हम डाल देंगे। ये मैंने फिर से 3 से 4 प्याज मीडियम साइज़ की ली है, जिसको मैंने कट कर लिया है, और प्याज को हम अच्छे से खड़े गरम मसालों के साथ मिक्स करेंगे। और उसके बाद ये जो हमने हरी मिर्ची का पेस्ट रेडी किया है उसे हम डाल देंगे। मिर्ची आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। देखिए हमने मिर्ची को भी डाल दिया और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्ची अच्छे से मिक्स हो चुकी है। देखिए हमने 1 मिनट तक प्याज को पकाया है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट होने तक। अब उसमें 1/2 चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे, और स्वाद के मुताबिक हम नमक ऐड करेंगे। नमक आप ध्यान से डालें, क्योंकि हमने चाप को गलाने में भी नमक डाला था, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे, और इन सब मसालों को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2 मिनट तक हमें कुक करना है। और जो हमने तेज पत्ता डाला था वो उसकी खुशबू अंदर आ गई है, वो हम निकाल लेंगे। और अब हम इसमें जो हमने चाप पका के रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। और ये हमने 1 मुट्ठी जितना पुदीना लिया है, जिसको मैंने कट कर लिया है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसको अच्छे से मिक्स कीजिए, ताकि मसाले अच्छे से चाप में लग जाए। मसाला ये बहुत टेस्टी चाप बनती है।
अब इसे हम 5 मिनट तक इसके वो ढक देंगे। और 5 मिनट देखिए हो चुकी है, आप देख सकते हो कि तेल भी ऊपर आ गया है और बहुत बढ़िया सी खुशबू आ रही है। तो हमारी चाप का स्टू रेडी है खाने के लिए गर्मा गर्म। तो आप सब भी मटन चाप का स्टू इस तरीके से बनाएं और गर्मा गर्म रोटी के साथ या रुमाली रोटी के साथ इंजॉय करें। ये शहरी में खाने में बहुत मज़े का लगता है और आप चाहो तो वैसे भी बना सकते हो, जब भी आपका मन करे तो आप ज़रूर से इसे ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली मेम्बर को खिलाइएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये मटन चाप स्टू की रेसिपी कैसी लगी। और नई नई रेसिपी जानने के लिए मेरी चैनल क्लासिक तड़का के साथ बने रहिए। और अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरी चैनल क्लासिक तड़का को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्लासिक तड़का को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो ऐसे और बेल नोटिफिकेशन ऑन करो ऐसे और फिर लाइक करो ऐसे।